नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब दुश्मन के कलेजे के होंगे टुकड़े, क्यों दोस्तों आप सभी के जुनकाल में अब जो घटना होने वाली है दोस्तों सुनकर वह छलनी छलनी होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवनकाल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, परंतु दोस्तों इन सभी के लिए आपको तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से कहें तो दोस्तों ये आपके जीवन की तीन गलती होगी, ये आपके जीवन काल की तीन ऐसी नादानी होगी जिन्हें दोस्तों आप जाने अनजाने में कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ये तीन बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर दोस्तों आप बिल्कुल ही खुश हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो खुशखबरी आपको ग्रहों के साथ मिलने वाले हैं, भगवान शनिदेव जो खुशखबरी देने वाले हैं, माता लक्ष्मी जो आपको प्रसन्नता देने वाले हैं, दोस्तों वाकई में दुश्मनों के होश उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा कि दोस्तों ऐसी ग्रहों की स्थिति, ऐसी ग्रहों में शुभ योग का निर्माण सभी के जीवन काल में नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में हुए हैं तो दोस्तों इन सभी का सदुपयोग करना भी आपको भगवान के मान सम्मान करने के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव लिखकर माँ लक्ष्मी और भगवान शनिदेव का स्मरण कर लें। दोस्तों जीवन काल के कष्ट आपके धीरे धीरे समाप्त होंगे और दोस्तों आपको बहुत अच्छी सुख की प्राप्ति होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि अब आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से जो कि दोस्तों आप सभी के वर्तमान जीवन काल के लिए और आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इन बातों का भी आप ध्यान जरूर ही रखिएगा। जी दोस्तों, कहते हैं कि अगर आशीर्वाद से सुख आता होता तो एक आदमी सभी को सुखी कर देता, क्योंकि आशीर्वाद देने में क्या कंजूसी, इतना आसान नहीं है। तुमने दुख बोया है, मेरे आशीर्वाद से कैसे कटेगा, तुम मुझे समझ लो, आशीर्वाद मत मांगो, क्योंकि आशीर्वाद तो बेईमानी का एक ढंग है, दुश्मन तुमने किया है, न मालूम कितने लोगों को तुमने दुख बोया है सब तरफ, अब तुम उसकी फसल काटने के वक्त आशीर्वाद मांगने आ गए और तुम्हारे ढंग से ऐसा लगता है कि जैसे अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ इसलिए दुख मिल रहा है। किसी के आशीर्वाद से तुम्हारा दुख न कटेगा, किसी के आशीर्वाद से तुम्हारी समझ नहीं बढ़ेगी, न ही काफ़ी होगी। पाप तो प्रेम से कटेगा और दुख तो तुम जब दूसरों के लिए सुख बोने लगोगे तब कटेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह महत्वपूर्ण ज्ञान अगर आपको समझ में आई हो, इन पर यकीन हुआ हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों, अब इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले तीन दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों जो ग्रहों की स्थिति में बदलाव होगा इनके अनुसार आपके लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर, आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी और तीन कौन सी महत्वपूर्ण बात होंगी जिन्हें दोस्तों आपको अब ध्यान में रखना ही होगा, तभी दोस्तों अपने जीवन काल में सफलताओं को प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों सर्वप्रथम सबसे पहले आपको तीन बहुत बड़ी आपकी गलती बता दें, तीन बड़ी आपकी जो ऐसे कार्य बता दें जो कि दोस्तों आप जाने अनजाने में कर रहे हैं और दोस्तों इनसे आपको कहीं ना कहीं नुकसान का ही रास्ता खुल रहा है। तो दोस्तों अगर आप ये बातों को ध्यान में रख लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल में जो भी नुकसान के रास्ते हैं वो भी बंद हो जाएंगे और सभी सफलताएँ के द्वार खुल जाएंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में बहुत कुछ पाया है और दोस्तों आपने अपने जीवन काल में बहुत कुछ खोया भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप यही गलती करते हैं कि आप जो गलती एक बार किए हैं उन गलतियों को आप गौर से नहीं देखते और दोस्तों आगे आने वाले जीवन काल में भी गलती करते हैं। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आपको मान लीजिए किसी इंसान ने ही धोखा दिया है तो दोस्तों ऐसे में जो इंसान ने आपको एक बार धोखा दिया है तो दोस्तों आगे चलकर फिर आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और फिर से उन पर यकीन करके दोबारा धोखा खाते हैं। तो दोस्तों
कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी आपके जुनकाल में गलती हो, ये नहीं कि दोस्तों सिर्फ आपको इंसान ही धोखा दिए हैं, बहुत सारे आपके जुनकाल में ऐसी गलती है जो कि आप कर दिए हैं, तो दोस्तों आपको दोबारा उन गलती को नहीं करना है। और दोस्तों इन सभी के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपसे गलती हुई है, रिजल्ट आपका ख़राब हुआ है, तो दोस्तों आपको गौर करना है अपने जीवन में कि कौन सा चीज़ आपके लिए गलत था, और दोस्तों इन चीज़ों से आप कैसे दूर हो सकते हैं, और इनको दूर करने के लिए आपको अपने जुनकाल में कौन सी चीज़ों को अब अपनानी होगी। दोस्तों इन सभी का आकलन आपको अपने जुनकाल में करते रहना होगा ताकि दोस्तों आने वाली भविष्य में आप फिर से ये गलती ना करें। जी हाँ दोस्तों, ये आगे बढ़ने का सबसे पहला सीढ़ी है, तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि दोस्तों जो इंसान गलती करता है वही सीखता है। दोस्तों मूर्ख वो होता है जो गलतियों को बार बार करता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों दूसरा जो गलती है आप सभी के जुनकाल में कि दोस्तों कोई भी काम शुरू करने से पहले दोस्तों आप उन पर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। जी दोस्तों, अगर आपको कहीं से भी पता चल जाए कि हम एक नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, हम अपने जुनकाल में एक नई चीज़ को ऐड कर रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने जुनकाल में उन कामों को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और दोस्तों यह खुशी को आप अपने अंदर दबा कर नहीं रख पाते हैं, और दोस्तों इन्हें आप सभी के सामने जाहिर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और होता क्या है कि दोस्तों आने वाले समय में उनसे आपको थोड़ा सा भी लाभ हो या फिर थोड़ा सा भी हानि हो, दोस्तों उनसे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि दोस्तों आपने तो किसी और को यह बात कह रखी है कि हमें इनमें बहुत ज़्यादा लाभ होगी या फिर हमें इनमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, और दोस्तों जहाँ भी उनमें कम मुनाफा हुआ तो दोस्तों फिर भी आपको उनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा निराशा महसूस होती है, या फिर उनमें अगर हानि हो गई है तो दोस्तों फिर भी आप अपने जुनकाल में उन बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, जो भी करना है गुप्त तरह से कार्य करना है, ताकि दोस्तों अगर कार्य असफल भी हो गए हैं तो दोस्तों वो चीज़ आप सिर्फ खुद ही जानेंगे और उनमें आपको कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जब आप जागे तब सवेरा होता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं उस समय से आपकी जुनकाल की नई शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप कितने बार भी प्रयास क्यों ना किए हो। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों तीसरा जो चीज़ है कि आप जो भी अपने जुनकाल में कार्य कर रहे हैं अपने करियर के लिए, अपने आर्थिक स्थिति के लिए, तो दोस्तों उन सभी में आपको करना क्या है कि अवश्य अपने जुनकाल में सभी कार्यों को, सभी दस्तावेज को खुद से देखना है। जी हाँ दोस्तों, और अपने हाथ में लेकर ही हर कार्य को करना है। जी दोस्तों, आज के इस दौर में अगर आप किसी पर भी आँख मूंद कर भरोसा कर देंगे और उनको अपने कार्य सौंप देंगे, तो दोस्तों जाने अनजाने में आप तो यह कार्य कर देंगे कि हमने उनको कार्य दे दिया, वो कार्य हमारा अब सफल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कार्य आपका भले ही सफल हो जाए, लेकिन दोस्तों जितना आपको नफा होना था दोस्तों वो आपका नहीं होगा, और आगे चलकर आपको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा और उन्हीं इंसान से आपको धोखा भी मिलेगा। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसे कार्य लगे कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, तो दोस्तों ऐसे कार्यों का कार्यभार किसी और को बिल्कुल ही ना दें, अपने नज़रों के सामने ही आप हर कार्यों को करें। दोस्तों इनसे आपको किसी भी क्षेत्र में निराशा हाथ नहीं लगेगी, और दोस्तों जो भी कार्य आपका होगा उनमें आप संतुष्ट भी रहेंगे और बहुत ज़्यादा आपको खुशियों की उनसे अनुभूति होगी। तो दोस्तों अपने जुनकाल में इन तीन बातों का अब आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। तो आए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि ग्रहों की जो स्थिति होगी आने वाले 3 दिनों के अंदर, आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, भगवान शनिदेव आप सभी के जुनकाल में क्या न्याय करने वाले हैं, साथ ही माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी आर्थिक स्थिति में कौन कौन से बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, कौन कौन से नए रास्ते आपके खुलने वाले हैं। तो दोस्तों आगे भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर सामाजिक दायरा आपका बढ़ने वाला है, कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय एकांत अथवा प्रकृति के सानिध्य में जरूरी व्यतीत करें। फाइनेंस संबंधी कार्यों में जो भी आपका कार्य है उन्हें निपटाने के लिए जो समय होगा बिल्कुल ही अनुकूल समय होगा। शायद दोस्तों कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको सतर्क रहना होगा और बिना कारण जाने किसी पर भी विश्वास ना करें। अगले तीन दिनों के अंदर किसी प्रकार के अभी जो है अनिर्णय की स्थिति में परिवार के अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों की सलाह लेना आपके लिए हितकर रहेगा। धैर्य और संयम रखना भी आपके लिए आने वाले 3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि व्यावसायिक गतिविधियाँ नियत समय पर आपका जो है संपन्न होती जाएंगी और नियमित समय पर ही आप इन सभी कार्यों में सफलता भी प्राप्त कर लेंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनेस की गति में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा
और टैक्स और लोन संबंधी मामले तुरंत निपटाने की कोशिश करें। सरकारी नौकरी में वर्तमान परिस्थितियों की वजह से कार्यभार अधिक रहेगा, परंतु समय आने पर इनमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, जो कि दोस्तों आप सभी के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, घर में सुख शांति से परिपूर्ण समय रहेगा, वातावरण बहुत ही खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है, जिनसे दोस्तों आपकी दिल की धड़कन बढ़ने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना रहें, कि दोस्तों आप पिछले समय भी अपनी लापरवाही की वजह से और समय पर दवाई ना लेने की वजह से बहुत सारी समस्याओं से जूझे भी हैं, बहुत सारी समस्याओं में आप पड़े भी हैं। इसलिए दोस्तों यश में आप नियमित चेकअप करवाते रहें, ब्लड प्रेशर और फिर डायबिटीज के जो भी लोग हैं, जो भी मरीज हैं, उन्हें यश में विशेष अपने शरीर के अपने हेल्थ की ध्यान रखने की जरूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिन कामों की वजह से नाराजगी और निराशा बढ़ रही है, उन कामों में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद आपको मिल सकती है। इस व्यक्ति के द्वारा बोली गई बातें के जो भी कारण होंगे, दोस्तों आपके विचारों को नई दिशा मिलेगी इनसे, और इनसे दोस्तों आप काफ़ी खुश भी होंगे। इस कारण काम में बदलाव आ सकता है, पुरानी बातें के बारे में विचार बदलते हुए नजर आएंगे। इस कारण दोस्तों जीवन को एक नए तरीके से देखने की आप कोशिश भी करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि परिचित किसी व्यक्ति से मिले सहयोग के कारण काम संबंधी कठिन बातों को अंजाम तक पहुंचाना भी आपके लिए संभव होगा। गणेश जी कहते हैं कि आप आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त कर पाएंगे। नए लोगों से सोच समझकर ही लेन देन करें। पारिवारिक जीवन में तनाव भरा थोड़ा सा माहौल कभी आएगा, लेकिन आपकी जो है मीठी वाणी द्वारा वे सभी भी दूर हो जाएंगे, लेकिन आपको स्थिति को चतुराई द्वारा निपटाना ही होगा। जी दोस्तों, ये आपके ही हाथ में निर्भर करती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की है वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शायद दोस्तों और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। धन्यवाद।